नमस्कार, मैं उमेश कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज इन मोर पर। मैं चर्चा करने जा रहा हूं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे आप पैट की तैयारी करें, चाहे नीट की तैयारी करें, चाहे सैट नेट की तैयारी करने वाले हो, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट अकाउंट ऑफ लॉक इंसेक्ट का डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूं आपको। इससे पहले मैंने कई कीट्स का क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी और लाइफ साइकिल के बारे में चर्चा किया है। आज मैं लॉक इंसेक्ट को चुना हूं। मैं सबसे पहले बात करूंगा आज इसमें क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट जो सिलेबस में है उसमें क्लासिफिकेशन बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। उसके बाद में बात करेंगे मॉर्फोलॉजी का, फिर लाइफ हिस्ट्री, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस एंड देन लॉक कल्चर के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो, लेकिन आप बड़े गौर से और ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं क्लियर कहना चाहूँगा आपसे कि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि न्यू अपडेट या न्यू इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। क्योंकि यहाँ पर दी जाने वाली सारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, इसको लाइक करें, कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉक इंसेक्ट का, लॉक कीट का। जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं वो लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे लॉक के बारे में, जानते भी होंगे, देखे भी होंगे लॉक का, लॉक का उपयोग भी कई लोग जानते होंगे। तो सब चीज़ का चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा। पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में जब भी बात करते हैं तो उसके लिए की ऑर्डर की बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैंने पहले स्लाइड करके रखा है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट में लेकर इस वीडियो को प्रिपेयर करने जा रहा हूँ आपके लिए। तो किंगडम जो होता है ये एनिमेलिया किंगडम का होता है। एनिमेलिया कौन सा किंगडम है? एनिमेलिया, या जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणी जगत या जंतु जगत बोलते हैं। सब किंगडम जो आता है इसमें उप जगत जो आता है ये होता है मेटाजोआ का, ठीक है। मेटाजोआ सब किंगडम के अंतर्गत आता है। अगर ब्रांच की बात करें तो इसके जो ब्रांच होते हैं एंटेरोजोआ होता है। उसके बाद में बात करते हैं डिवीज़न की। डिवीज़न जो होता है बाइलेटेरिया होता है। सबका मीनिंग्स मैंने पहले क्लासिफिकेशन के दौरान बताया है स्टार्ट में। अगर आपको किसी का मीनिंग्स चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कहें, कोशिश करूँगा कि मैं आपके आंसर का जवाब दे पाऊँ, क्वेश्चन का जवाब मैं दे पाऊँ आपको, अच्छे से आंसर करने की कोशिश करूँगा आपको। सक्शन जो होता है इसमें खंड जो बनता है वो यू सिलोमेटा का बनता है, या यू सिलोमेटा के अंतर्गत आने वाला ये एनिमल होता है सिलोमेटा, यू सिलोमेटा। उसके बाद में बात आता है फाइलम यसंग। फाइलम यसंग जो होता है ये होता है आर्थ्रोपोडा, याद रखेंगे ये आर्थ्रोपोडा संघ का एक एनिमल है, एक इंसेक्ट है। उसके बाद में आता है सब फाइलम की बात करते हैं तो सब फाइलम में आपको देखने को मिलेगा ये मैंडिबुलेटा के अंतर्गत आता है, मैंडिबुलेटा, ठीक है, मैंडिबुलेटा के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आता है क्लास। क्लास का मतलब होता है ये जो क्लास है लॉक इंसेक्ट का, ये इंसेक्टा ही क्लास के अंतर्गत आता है, इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अगर ऑर्डर की बात करें तो हेमिप्टेरा ऑर्डर का ये एक स्पेसिफिक एनिमल होता है। इसके बारे में एग्ज़ाम में अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन आता ही है, आप याद रखेंगे ऑर्डर बेस पे हेमिप्टेरा ऑर्डर में आता है, जिसमें इनका जो माउथ पार्ट होता है काफ़ी लंबी प्रोबोसिस या शूंड कह सकते हैं उस आकार की होती है। मैंडिबल मैक्सिली जो होती है लाइक एज नडिल होती है, नडिल के समान पतले और नोकदार होती है। इनका जो थोरैक्स रीजन होता है फर्स्ट जो पोर्शन होता है वो दूसरे अदर जो पार्ट्स है उससे काफ़ी बड़ा और अलग प्रकार का होता है। जीनस की बात करें, जिस जीनस का हम लोग यहाँ पर वर्णन करेंगे वो जीनस होगा यहाँ पर लसिफर, और इसकी स्पीसीज होगी लैका, अर्थात आप समझ सकते हैं लैसिफर लाका का यहाँ पर मैं वर्णन करूँगा आपके सामने, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे लैसिफर लाका के बारे में। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भारतवर्ष के अतिरिक्त पाकिस्तान, बर्मा, जावा, मलाया, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि सब में मिलता है। अगर बात करें इसके होस्ट प्लांट के बारे में बात करें, आपके मन में सवाल होता होगा कि ये लॉक इंसेक्ट हम या लॉक का पालन हम किस में कर सकते हैं या लॉक हम किस में उत्पादन कर सकते हैं, तो आपको कुछ पौधे का नाम मैं यहाँ पर गिनती करा देता हूँ, ध्यान रखेंगे। पलाश जानते होंगे आप लोग जो फागुन मास के आसपास, उसमें पिंक कलर का, रेड कलर का फ्लावर आता है, काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर लगते हैं। बुटिया मोनोस्पर्मी या बुटिया फ्रोंडोसा करके आता है, पलाश की दो प्रजाति उसमें मिलती है। बेर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिजाइफस जुजुबा बोलते हैं, कुसुम
स्क्लेरा ओलीरा करके आता है, घोंट आता है जेजिफस ज़ाइलोपायरा, गैलरी करके आता है जिसको बोलते हैं सोरिया टलूरा बोलते हैं, अरहर जानते होंगे आप लोग, कैजेनस कैजेन पीपल जानते होंगे, फाइकस रिलीजियोसा, ग्रीविया करके एक स्पीसीज आती है, लिया करके स्पीसीज आती है, बबूल तो आप लोग जानते होंगे, एकेसिया अरेबिका, खैर भी देखे होंगे आप लोग एकेसिका कैटिचू, खैर आपने देखे होंगे। तो इन सब के इन सारे प्लांट इसके लिए होस्ट या पोषक पौधे के समान काम करता है। अब बात करते हैं फटाक से मार्फोलॉजी के बारे में, बात करते हैं मार्फोलॉजी में जब हम लोग जाते हैं तो लाख किट मेल और फीमेल में डिवाइड रहता है, कहने का मतलब ये यूनिसेक्सुअल नहीं होता, ये होता है हाँ मतलब यूनिसेक्सुअल ही होता है कह सकते हैं आप, एकलिंगी प्रकार का होता है, मतलब नर अलग और मादा अलग होता है। अगर नर और मादा की बात करें तो मादा आकार में नर से 3 गुना बड़ी होती है, ये जो फीमेल होती है ये मेल से लगभग 3 मल्टीप्लाई में ज़्यादा बड़ा आपको दिखाई दे सकता है, ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा आपको। मेल के बारे में थोड़ा सा बात करें, मेल जो होता है लाइट पिंक कलर का होता है, ठीक है, पिंक कलर का होगा, गुलाबी रंग का होगा, 2 प्रकार का होगा, एक पंखयुक्त होगा, दूसरा पंख विहीन होगा, मतलब इसमें विंग विद विंग्स भी हो सकता है एंड विंग्सलेस भी हो सकता है, विंगलेस भी हो सकता है, मतलब बिना पंखों का और पंख दोनों मिल सकता है। पंखदार जो कीट में केवल अगली जोड़ी झिल्लेदार और पारदर्शक पंख होते हैं। नर कीट जो होते हैं प्रायः बैशाख और जेठ की फसल में पाए जाते हैं, याद रखेंगे, जो मेल कीट होते हैं ना बैशाख और जेठ की फसल में पाए जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए बैशाख और जेठ की फसल क्या क्या होती है, जैसे जेठ माह की फसल जेठ कहाँ पर होगा, जनवरी फरवरी में जिसका आप बुआई करेंगे और वो फसल पकता है जून जुलाई में, तो जेठ महीने में उगने वाला प्लांट हो गया। बैशाख में अगर बात करें तो लगभग 8 महीने का टाइम उसके लिए निर्धारित किया गया है यहाँ पर लाख का उत्पादन के लिए। प्रारंभ होता है अक्टूबर नवंबर में, पकने का समय होता है जून जुलाई होता है, तो जेठ बैशाख में इसके जो क्या बोलते हैं नर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। हिंदू मास के अनुसार जेठ एंड बैशाख याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। मैंने आपको इंग्लिश नेम इंग्लिश मंथ भी बताया है, अगर जेठ में मैंने कहा तो जेठ में जनवरी फरवरी मैंने बताया है जिसका पकने का टाइम होता है जून जुलाई, और बैशाख माह में अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और जून जुलाई में उसकी कटाई हो जाती है, मतलब फसल पक जाता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इनका जो जीवन काल होता है 3 to 4 days का होता है, 3 to 4 days में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसी बीच ये बिना कुछ खाए पिए मादा से ही मैथुन करके मर जाता है, मतलब बिना फूड मटेरियल को ग्रहण किए मादा से मैथुन करने का कार्य करती है और उस दौरान इसके डेथ हो जाती है, याद रखेंगे। इनका जो हेड होगा वो काफ़ी क्लियर बिग और इनएक्टिव प्रकार के होंगे, ठीक है। इनके जो हेड होगा सिर होगा काफ़ी बिग साइज़ का होगा, क्लियर आपको दिखाई देने वाला होगा, ठीक है। इनएक्टिव प्रकार का होगा, इनएक्टिव प्रकार का इसमें माउथ पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें उपनेत्र भी मिलते हैं जो कि 2 pair में होता है, मतलब 2 जोड़ी 2 pair आई ऐसा कह सकते हैं आप लोग, 2 pair ऑफ आइज कह सकते हैं। एंटीनी मिलेंगे, 1 pair ऑफ एंटीनी, 1 pair एंटीनी एंटीना आप लोग जानते हैं ना, सेंसर ऑर्गन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है वो लंबे और 7 खंड में बटा होता है, रोम युक्त होता है, रोमिल होता है, ठीक है। कितने सेगमेंट में बटा होता है, 7 सेगमेंट में बटा हुआ आपको दिखाई देगा इसका बॉडी। और आपको पता होना चाहिए कि इसके पूरा शरीर जो होता है हैरी नेचर का होता है, रोम युक्त होते हैं, ठीक है। इसका जो थोरैक्स रीजन होता है वो मोटा, जिसमें 1 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी टांग होती है। इनका जो थोरैक्स रीजन होता है वो काफ़ी ठीक होता है, काफ़ी मोटा होता है। इसमें 1 जोड़ी पंख होता है, 1 pair विंग होता है, 1 pair विंग होता है और 3 pair लेग्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 3 जोड़ी टांग मिलेंगे। टांग के जो टार्साई खंड होते हैं वो 3 खंडों में बटा होता है, उधर का खंड 8 खंडी आगे की ओर चौड़ा और पीछे की ओर नुकीला होता है, आगे की ओर चौड़ा और पीछे की ओर नुकीला होता है। अंतिम खंड के सिरे पर नुकीला पेनिस या सीशन पाई जाती है, जिसके माध्यम से वो मेटिंग प्रोसेस या मैथुन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। उसके बाद में आता है फीमेल, फीमेल भी पिंक कलर की होती है,
फटाफट बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, पिंक कलर की होती है। अगर मेजरमेंट की बात करें तो 1.5 मिलीमीटर लेंथ वाली होती है। आप समझ सकते हैं कि मेल से ये 3 गुना बड़ी होती है। 1.5 मिलीमीटर मतलब 0.5 मिलीमीटर के आसपास इसकी साइज़ होती है नर की, ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। इसका आधार तल चपटा और पृष्ठतल उभरा हुआ होता है। मतलब आधार तल कहने का मतलब क्या था, वेंट्रल निचला हिस्सा चपटा और जो ऊपरी हिस्सा है पृष्ठ वो उभरा हुआ आपको दिखाई देगा। इसमें आई लेग्स और विंग्स एब्सेंट होते हैं। आई लेग्स एंड विंग्स और एब्सेंट, ये एब्सेंट होते हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगर एंटीनी की बात करें तो वो भी वेस्टिजियल प्रकृति का होगा। एंटीना की अगर बात करते हैं तो ये भी वेस्टिजियल होता है, अवशेषी प्रकार की होती है, वेस्टिजियल प्रकार की देखने को मिलेंगी, ठीक है। अवशेषी 3 से 4 खंडों में बटी हुई होती है, 3-4 सेगमेंट में बटी हुई आपको देखने को मिल सकता है। इसका जो मुखांग भाग होता है, चुभाने और चूसने वाले एक रोस्ट्रम द्विखंडी होता है, मतलब रोस्ट्रम इसमें प्रेजेंट होता है ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग क्या कहते हैं, इसको शुंड भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। मादा पेड़ की शाखाओं से एक ही स्थान पर चिपकी रहकर रस को चूसते रहती है और लाख उत्पन्न करते रहती है, ठीक है। इनके जो मिडिल थोरैक्स होता है वहाँ पर एक डेवलपमेंट होता है जिस पर स्पाइरिकल ओपन होते हैं। मतलब ये इंसेक्ट है तो जान लीजिए इसमें श्वसन के लिए स्पाइरिकल प्रेजेंट होता है। स्पाइरिकल मतलब श्वसन ऑर्गन के रूप में ये बना हुआ रहता है जिसके माध्यम से श्वसन करता है। जो एब्डोमिन रीजन होता है वो राउंड शेप्ड होता है। एब्डोमिन जो रीजन होता है ये राउंड शेप्ड में होता है। कौन से शेप्ड में होता है, राउंड शेप्ड में होता है, याद रखेंगे आप लोग। गोल होते हैं, गोलाकार होते हैं। पृष्ठतल पर एक डॉर्सल स्पाइन होता है, मतलब इसमें ऊपरी हिस्से पर डॉर्सल स्पाइन देखने को मिलेगा। क्लियर है। उदर का पश्च भाग द्विखंडी और अंतिम भाग फ्रिज्ड एनस वाला होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। ये हो गया इसका सिंपल सा मार्फोलॉजी, अच्छे से याद करना, मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। वैसे वीडियो है, आप जब पॉज और प्ले करके आप देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ लाइफ हिस्ट्री की। बात करता हूँ लाइफ हिस्ट्री इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम किसी इंसेक्ट का डेफिनेशन इंसेक्ट का वर्णन पढ़ते हैं तो लाइफ हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो लाइफ हिस्ट्री देखते हैं हम लोग, लाइफ हिस्ट्री में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सेक्शन डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से ऐसा, ठीक है। इधर अपन बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री और साइकिल की। लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास के बारे में बात करते हैं। इनका जो जीवन है, इनका जो लाइफ हिस्ट्री है वो 3 भागों में बटा हुआ रहता है, 3 अवस्थाओं में, 3 स्टेजेस या फेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इसका स्टेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं एग्स, ठीक है ना। एग्स कहने का मतलब होता है, वैसे 3 जो है इसको मैं कीवर्ड दे देता हूँ, 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहले स्टेज में आती है एग्स का, उसके बाद में आता है निम्फ या शिशु बोलते हैं जिसको आप लोग, और लास्ट में जो आपको देखने को मिलेगा वो एडल्ट अवस्था आपको देखने को मिलेगा। इसका एल्डोस्टेरोन स्टेज देखने को मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। ये हो गया 3 स्टेज में इसकी लाइफ हिस्ट्री कम्प्लीट हो जाती है, ठीक है। तो एग के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। मैथुन के बाद, जब मैथुन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो उसके बाद जो फीमेल इंसेक्ट होता है वो लार्क सेल के अंदर लगभग 300 अंडे देती है। कितने अंडे देती है, 300 अंडे देती है, आपको पता होना चाहिए। आफ्टर द मेटिंग प्रोसेस, प्रजनन की प्रक्रिया के बाद में, ठीक है, लार्क सेल के अंदर लगभग 300 अंडे देती है फीमेल। कितने अंडे देंगी, 300 अंडे देती है। ये जो अंडे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्टिलाइज्ड एग एंड अनफर्टिलाइज्ड एग। 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, निषेचित और अनिषेचित, दोनों प्रकार के अंडे इसमें देखने को मिलेंगे। दोनों प्रकार के अंडों से नर और मादा कीट निकलते हैं, याद रखेंगे। मादा कीट 3 प्रकार के अंडे देती है, आपको पता होना चाहिए। ये जो अंडे का सेक्शन है वो 3 टाइप्स में बटा हुआ रहता है, ठीक है। एक अंडे की जो प्रकृति आती है इसमें ऐसी मादाएँ जिनके अंडों से नर तथा मादा बराबर संख्या में निकलते हैं, मतलब अंडों की जो प्रकार है उसमें बताया गया है कुछ मादाएँ ऐसे अंडे देती है जिससे मेल और फीमेल इक्वल बनते हैं, ठीक है। और एक ऐसी मादा होती है जिसके अंडों से नर अधिक और मादा कम मिलती है, मतलब मेल ज़्यादा एंड फीमेल कम मिलेंगी आपको, फीमेल लो,
ठीक है। और एक और इसमें बनती है पॉलीमॉर्फिज्म टाइप के, एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है लेकिन ये अंडे देने की प्रकृति के आधार पर डिवाइड किया गया है इसको, ठीक है। ऐसे मादा जिनके अंडे से नर कम और मादा अधिक निकलती है, मतलब मेल लो एंड फीमेल हाई, ठीक है। तो तीन प्रकार के अंडे देती है, यह ऐसा बटा हुआ रहता है, ठीक है। प्रत्येक अंडा लगभग 0.4 मिलीमीटर लेंथ वाला, 0.2 मिलीमीटर चौड़ा और गुलाबी रंग का आपको दिखाई देगा, मतलब गुलाबी में ही शो कर देता हूँ। पर एक की जो शेप और साइज है 0.4 मिलीमीटर लेंथ एंड 0.2 मिलीमीटर विड्थ या ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, समझ में आया, चौड़ाई लिया हुआ रहता है, पिंक कलर का होता है, पहले ही हमने चर्चा कर चुका है। जब बाद में भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब एगिलेशन होता है तो उसके कुछ घंटे बाद इन अंडों से फूटने से, इन अंडों के फटने से या फूटने से निम्फ या शिशु निकल आते हैं, याद रखेंगे। मतलब कुछ ही घंटे में अंडे देने के बाद इन अंडों से क्या निकल आता है, निम्फ निकल आते हैं। तो इसका जो सेकेंड पार्ट इसका होता है और ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं निम्फ, क्या होता है, निम्फ्स मतलब अंडे, अंडे से निकले हुए शिशु, कुछ ही घंटों के बाद जो निकलता है वो कहलाता है शिशु, ठीक है। तो एक आउटर स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ आपके लिए, काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लार्क कीट का जब लाइफ साइकिल हम लोग देखते हैं तो उसमें ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी मैं आपको शो कर देता हूँ। इसमें जो अंडे होंगे दो प्रकार के एक सेल दिखाई देंगे, ऐसा पिंक कलर का, ऐसे मान लो ये अंडे हैं, तो इस अंडे से एक निश्चित समय के बाद थोड़े ड्यूरेशन के बाद में क्या क्या निकलेगा, एनिमल्स निकलेंगे, लार्क कीट निकलेंगे, ठीक है। जो एनिमल्स फर्स्ट निकलेगा वो लगभग इस प्रकृति के आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। शुरुआती में कैसे दिखाई देगा वो, ये इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये ऐसा कवच में ऐसा ढका हुआ रहता है, ऐसा प्यूपा जैसे आवरण से ढका हुआ रहता है। ये एडल्ट फीमेल होता है, एक ऐसा एडल्ट फीमेल होते हैं, समझ में आया ना, एडल्ट फीमेल। उसके बाद में एक होते हैं अंडे से बना हुआ है एडल्ट फीमेल, ठीक है। लेकिन ये बनने से पहले क्या होता है, निम्फ की संरचना कैसे होगी, एडल्ट फीमेल क्या देगी, एक देगी, अंडे देगी। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये रेखा थोड़ा सा गलत चल रहा है, ये ऐसा बनाता हूँ, देखो ये फीमेल है, एडल्ट फीमेल बोलते हैं जिसको हम लोग, एडल्ट फीमेल है, यह अंडे देगी, अंडे से क्या बनेगा, ये जो अंडे होंगे, ये अंडे पूरे के पूरे जो टहनी रहेगी, टहनी मतलब जो इसके पोषक जो टहनी देखने को मिलेंगी आपको, उसमें किस प्रकार का आपको इस प्रकार कैसे देखने को मिलेंगे, ये जो टहनी रहेंगी ये लार्क सेल कहलाता है, क्या है, लार्क सेल है, ये याद रखेंगे, ये है लार्क सेल। लार्क सेल के अंदर क्या करती है वो, उसका निर्माण होता है अंडे फटने से निम्फ बनता है। तो निम्फ पहले बनेगा, क्या बनेगा, निम्फ बनेगा। तो फर्स्ट स्टार निम्फ आपको जो देखने को मिलेगा वो लगभग इस प्रकृति में आपको देखने को मिलता है, देखिए लगभग ऐसे, ये इस प्रकार से आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसा खंडों में ऐसा बटा हुआ होगा। इसमें आपने पढ़ा 3 pair of legs, 2 pair एंड देन 1 pair फ्रंट साइड, ठीक है। और इसमें आपको देखने को मिलता है ऐसा, क्या बोलते हैं इसको, एंटीना दिखाई देगा। फर्स्ट इंस्टार निम्फ होता है, इसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है फाइनल इंस्टार निम्फ में, मतलब ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, इसके स्नाउट या थूथन ज़्यादा विकसित दिखाई देंगे आपको, और ये थोड़े से और बड़े आकृति में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये इस प्रकार से ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड पेयर ऑफ लेग्स ये है आपका एंटीना इस लार्क कीट का, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टार निम्फ है, ये फर्स्ट स्टार निम्फ, ये है फाइनल स्टार निम्फ, ठीक है। इससे कन्वर्ट, इससे बनेगा एडल्ट मेल, माने कुछ बनेगा फीमेल एडल्ट और कुछ बनेंगे एडल्ट मेल का फॉर्मेशन होगा। एडल्ट मेल मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, एक एडल्ट मेल का, इस प्रकार का आखिर में ट्विंग होती है आपको पता है। ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, थर्ड पेयर सामने की ओर, ये ऐसा लेग्स,
और सबसे अच्छी बात इसमें जान लीजिए, इसमें जो विंग्स होता है नर में, विंग्स होता है ऐसा आपने पढ़ा, ये विंग्स, ये इस प्रकार का ऐसे विंग्स बना हुआ रहता है, पंख बना हुआ रहता है। सामने की तरफ आपको जो दिखाई देगा ये होगा लेग्स के अलावा जो देखने को मिलेगा ये होता है एंटीनी। ये हो गया मेल, ये हो गया मेल एडल्ट, मेल एडल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद मेल और फीमेल के बीच में जब क्रॉस होता है, मीटिंग प्रोसेस होती है, तब ये एगिलेशन करता है। तो इस छोटे से डायग्राम में मैंने पूरी चीज़ें लगभग क्लियर कर दिया है, इसको आप बारीकी से बार बार देख सकते हो आप इसको। अब मैं बात करता हूँ निम्ब का, जो अंडे फटते हैं, सेल जो होता है लार्क सेल, उसके अंदर जो अंडे फटते हैं उससे निकलता है निम्फ या शिशु निकलते हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग 0.6 मिलीमीटर लेंथ वाली और 0.25 मिलीमीटर विड्थ वाली चौड़ाई वाली पिंक कलर की, पिंक कलर में पिंक निम्फ निकलता है, शिशु निकलता है, ठीक है। इस पिंक निम्फ में वन पेयर एंटीना, वन पेयर एंटीना, थ्री पेयर लेग्स, ठीक है, थ्री पेयर लेग्स, टू पेयर सॉरी टू आई, सिक्स एनएल सी टी बोलते हैं, गुदा रोम बोलते हैं जिसको हम लोग, एनएल सी टी होते हैं। अंडे से निकलते ही ये जो निम्फ होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और मुलायम शाखाओं को खोजकर उनसे चिपक कर रस चूसना और शरीर के चारों तरफ लाग बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब जो नरम टहनी होती है उससे रस चूसना और अपने चारों तरफ एक सेल कोस्ट बनाना शुरू कर देती है, लाग बनाना शुरू कर देती है। लाग कीट को केवल चार स्थानों में, एक होता है माउथ, एक होता है एनल, टू स्पाइरिकल को छोड़कर, एक दो तीन, ये तीन अंगों को छोड़कर, ठीक है, पूरी तरह से ढक लेता है लाग, माउथ, एनल और टू स्पाइरिकल, मतलब दो तीन चार, इन चार हिस्सों को छोड़कर चारों तरफ जो लाग बना हुआ रहता है पूरे इंसेक्ट को, कीट को ढक कर रख लेता है। जब जो निम्फ होता है, शिशु होता है, वो जब एडल्ट बनता है या प्रौढ़ होता है, उससे पहले प्री मॉल्टिंग की प्रोसेस होती है, इसमें याद रखेंगे आप लोग, प्री मॉल्टिंग की प्रक्रिया होती है, अर्थात तीन बार निर्मोचन की प्रक्रिया होती है जिसमें उसके शरीर का रंग रूप बदलता है, पुरानी स्किन को छोड़ता है, नया रूप धारण करता है। प्रथम निर्मोचन जब होता है, फर्स्ट मॉल्टिंग जब होता है, ठीक है, तो उसमें सेकंड स्टार में आंखें, सेकंड स्टार में आई, लेग्स, एंटीनी, ठीक है, ये सारे नष्ट हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, रूप बदलना, तो रूप कैसे बदलेगा, जो पुराना है वो नष्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो एनल सिटी होते हैं, जो गुदा रोम होता है, 6 के बजाय 10 हो जाते हैं। जो एनल सिटी है, एनल सिटी की संख्या मैंने शुरू में जो बताया था, ये 6 to 10 हो जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। अब जब सेकंड मोल्टिंग होता है, सेकंड मोल्टिंग होता है इस दौरान मेल और फीमेल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि नर में आंखें आ जाएंगी, मतलब वही जो मॉर्फोलॉजी मैंने बताया था वो सारी चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आंखें, एंटीनी, टांगी फिर से बन जाएंगी, 10 गुदा रोम के स्थान पर एक शीशन बन जाएगा, लास्ट में पेनिस बन जाएगा, मुखांग विलुप्त हो जाते हैं, माता शिशु कीट में ये अंग नहीं पाए जाते, मैंने पहले ही क्लियर किया है मॉर्फोलॉजी में। इसके अतिरिक्त नर के लक्ष्य कोष कुछ लंबे और सिगार शेप्ड होते हैं, ठीक है। इनके जो लाख सेल होते हैं, लाख सेल ये कैसे होते हैं, सिगार शेप्ड के होते हैं, सिगाराकार होते हैं, मादा के गोल या अंडाकार होते हैं, याद रखना है, नर के। ये हो गया मेल के, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो किस शेप में होते हैं, राउंड शेप में और एग शेप्ड में होते हैं, अंडाकार होते हैं। ये फीमेल के जो लाख शेप्ड है, फीमेल के जो लाख शेप्ड है
उसकी बारे में बात कर रहे हैं, लॉक सेल का शब्द। शिशु के पूरे शरीर पर लाख ग्रंथि होती है, आपको पता होना चाहिए। निम्फ के जो पूरी बॉडी है उसमें लाख ग्लैंड होती है, जिनसे एक अर्ध तरल पदार्थ स्रावित होता है जो बाद में सूख कर लाख बना देता है। ठीक है, तो आगे आता है इसके तीसरा जो पार्ट्स बनता है वो कहलाता है एडल्ट या शिशु। अब एडल्ट या शिशु में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ गए होंगे। ठीक है, दो निर्मोचन के पश्चात जब तीसरा निर्मोचन होता है, जब थर्ड माउल्टिंग होता है, थर्ड माउल्टिंग की प्रक्रिया जब होती है, इस दौरान जो एडल्ट इंसेक्ट है वो बाहर निकलता है। ठीक है ना, एडल्ट इंसेक्ट है वो बाहर निकलता है। नर प्रौढ़ कीट अपने लाख कोष से बाहर निकल कर मादा के साथ मेटिंग करता है, मैथुन करता है और मर जाता है। मादा कीट मैथुन के पश्चात आकार में काफ़ी बढ़ती है, अधिक लाख पैदा करती है। जिस समय मादा कीट अंडे देने वाली होती है तो उस समय लक्ष्य कोष के पीछे की तरफ एक पीला सा दाग बन जाता है। लाख का कोष अगर आपने देखे होंगे, अगर पीला सा दाग दिख रहा होगा तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर मादा अंडे देने वाली है। यह ऐसा पहचानने का तरीका है अगर आपने लाख की टहनी देखे होंगे तो। ठीक है, उसके बाद फटाफट चलते हैं अपन, वीडियो थोड़ा लंबा है। ठीक है, मजबूरी मेरी है कि मेरे को एक ही वीडियो में इसको शो करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, वैसे तो आप सबने सुना होगा, जानते भी होंगे कि लाख का बहुत बड़ा महत्व है पूरे भारतवर्ष में। सारे विश्व का लगभग 80% लाख, पूरे भारतवर्ष में संपूर्ण विश्व का 80% लाख उत्पन्न होता है, जिसका अधिकांश भागों में निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, याद रखना, जिससे लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। 10-12 करोड़ रुपए फॉरेन यहाँ पर करेंसी आपको प्राप्त होती है। लाख का रंग भारत में छपाई के काम आता है, याद रखना। ठीक है, कलर्ड करने का काम आता है, लाख कलर्ड करने का काम आता है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बनाने में होता है। ठीक है, ग्रामोफोन आप जानते होंगे, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बनाने में काम आता है। विद्युत का ये बैट कंडक्टर होता है, मतलब बैट कंडक्टर होता है, मतलब कुचालक होते हैं, बैट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसका उपयोग इंसुलेटर के रूप में बिजली के सामानों में प्रयोग किया जाता है। इंसुलेटर बैट कंडक्टर होने के कारण इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इंसुलेटर का निर्माण करने में किया जाता है। लाख से वार्निश, पॉलिश और बैंगल्स भी बनती है। वार्निश, पॉलिश एंड बैंगल्स का निर्माण किया जाता है, याद रखेंगे। चूड़ियाँ बनती है और महिलाओं के और श्रृंगार के साधन बनते हैं। सील बंद करने के लिए भी सबसे सर्वोत्तम पदार्थ होता है, आपने देखेंगे गवर्नमेंट जो वर्क होता है उसमें आखिर में जो सील चस्पा किया जाता है, सील लगाई जाती है, वो लाख का ही प्रोडक्ट होता है, लाख का ही बना हुआ मटेरियल होता है। लाख के आर्थिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1921 में लाख अनुसंधान संस्थान प्रारंभ किया था, याद रखेंगे 1921 में लाख अनुसंधान संस्थान प्रारंभ किया। ठीक है, पहले उसके बाद में 1925 में बिहार में जो नामकुन नामक एरिया है वहाँ पर फिर से भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। 1935 में भारतीय लाख से समिति बनी, जो लाख उत्पादन और अनुसंधान के अतिरिक्त क्रय विक्रय निर्यात नियंत्रण कानून बनाती है। 1935 में किसका निर्माण किया गया था, इंडियन लाख सेस का, ILCC का, इंडियन लाख सेस कमिटी, भारतीय लाख से समिति का निर्माण किया या गठन किया, जिसका काम है कि अनुसंधान को तो देखना ही है, निर्माण को देखना है, उत्पादन को भी देखना है, इसके साथ साथ जो क्रय विक्रय का काम करना है, निर्यात और आयात करना है, उसके लिए कानून का नियंत्रण करने वाली होती है। अब थोड़ा सा चर्चा हम लोग करते हैं लाख के बारे में कि एक्चुअल में लाख क्या होता है। ठीक है, मन में आ रहा होगा कि वाकई में लाख होता क्या है, तो देख लीजिए लाख होता क्या है। लाख होता है, लाख ग्लैंड के रूप में जो कीट होता है उसके अंदर मौजूद रहता है, और जो धीरे धीरे एक स्राव के रूप में लिक्विड के समान निकलते रहते हैं उसके शरीर से। ठीक है, एक प्रकार का रेजिनस मैटर होता है, बेरोजा पदार्थ बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, रेजिनस मैटर होता है, बेरोजा पदार्थ होता है। वास्तव में मादा कीट लाख को अपने शरीर के चारों ओर सुरक्षा के लिए बनाती है, याद रखना। वो लक्ष्य ग्रंथि शरीर की ऊपरी सतह पर अनेक छिद्रों पर खुलते रहती है। उसके अतिरिक्त 3 मोम ग्लैंड भी होती है, इसमें वैक्स ग्लैंड भी होती है, याद रखेंगे आप लोग, मुँह, वक्ष, मध्य वक्ष में, और जो
श्वसन छिद्र है वहाँ पर गुदा के किनारों पर स्थित होती है। ग्रंथियों से निकलने वाले मुंह, मुख, श्वसन और छिद्रों पर गुदा पर लाख जमा नहीं होने देता। लाख कई प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है, कई प्रकार के पदार्थों का कंपोनेंट होता है, जिसमें क्या क्या होता है लाख में। रेजिन होता है 68%, ठीक है, कलर मैटर होता है 10%, वैक्स होता है 6%, ठीक है, इसमें और जो शुगर होता है ये 4% के लगभग होता है, और बाकी मिट्टी कूड़ा करकट जो होते हैं वो लगभग 6.5% होते हैं। गोंद भी आपने जानते होंगे, जो रेजिन पदार्थ होता है, चिपचिपे पदार्थ होता है गोंद, वो 5.5% के लगभग होता है, ठीक है। लाख उत्पादन की बात करें तो लाख उद्योग भारतवर्ष में सबसे अधिक विकसित हुआ है, आपको पता होना चाहिए। संसार के कुल लाख का 70-80% भारत में होता है, जैसे मैंने इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस में बताया है। बिहार में ही अकेले, ठीक है, बिहार में ही लगभग 41.3% लाख का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में 26.5% के लगभग किया जाता है। वेस्ट बंगाल में 20.6% के लगभग उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो 5.9% के लगभग लाख उत्पादन किया जाता है। मतलब हमारे देश में प्रति वर्ष 4 फसलें ली जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। 4 फसलें में किस में आता है, मुख्यतः 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। एक होता है रेगानी फसल और दूसरा होता है कुसमी फसल। एक होता है रेगानी क्रॉप और दूसरा होता है कुसमी क्रॉप, ठीक है। ये ऐसा दो सबसे ज़्यादा जो रेगानी क्रॉप है इससे 90% लाख प्राप्त की जाती है और कुसमी क्रॉप से 10% लाख फसल तैयार की जाती है। अब बात करते हैं रेगानी क्या है और कुसमी क्या है। तो रेगानी होता है जो कार्तिक और वैशाख माह में बुआई करते हैं। कार्तिक की बात करें तो जून जुलाई में उसको बुआई कर देते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल पक जाता है। वैशाख की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं, जून जुलाई में फसल पक जाता है। ठीक वैसे ही कुसमी क्रॉप अगहन और जेठ में बोते हैं। अगहन जून जुलाई में प्रारंभ होता है, जनवरी फरवरी में पक जाता है। जेठ की बात करें तो जनवरी फरवरी में प्रारंभ होता है और जून जुलाई में पक जाता है। तो ऐसे इस प्रकार के प्लांट में इस प्रकार की उत्पादन किया जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबाई को ना देखें, इसकी इंपॉर्टेंस को देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की अपडेट आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।